महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद शनिवार देर शाम बिहार की गया में नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया। गया से 70 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड के मोनवार गांव में माओवादियों ने दो महिलाओं समेत चार लोगों की हत्या कर दी। गांव में नक्सलियों ने चार लोगों की हत्या कर दी और दो घरों को बम से उड़ा दिया। एसएसपी आदित्य कुमार ने घटना की पुष्टि की और बताया नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर के आरोप में चार लोगों को मार डाला। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुखबिरी की शंका में नक्सलियों ने मौनबार गांव निवासी सरजू सिंह के घर पर शनिवार की रात को धावा बोला और पति पत्नी समेत पूरे परिवार को सरेआम फांसी पर लटका दिया। हत्या और बम विस्फोट की इस घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने पर्चा चिपकाया और लिखा, इस परिवार के लोगों ने षड्यंत्र के तहत चार नक्सलियों को पूर्व में जहर खिलाकर मरवा दिया था, वो एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा, अमरेश कुमार, सीता कुमार, श्री पूजन कुमार और उदय कुमार की शहादत का बदला ले लिया है। वहीं एसएसपी आदित्य कुमार ने ये कहा कि नक्सलियों ने ये कायराना हरकत चुनाव में दबिश दिखाने के लिए की। उन्होंने कहा यह हत्या उसी जगह हुई जहां चार नक्सली एनकाउंटर में मारे गए थे। पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने उस समय पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के लिए इस परिवार को ही जिम्मेदार मान लिया था। नक्सलियों को यह शंका थी, इस परिवार से ही नक्सलियों के बारे में जानकारी दी गई थी। आज इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी मामले की जांच बाकी है। आपको बता दें कि शनिवार को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर गढ़चिरौली इलाके में शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों को ढेर किया था। गढ़चिरौली एनकाउंटर में जवानों ने खूंखार नक्सली मिलिंद तेलतुंबड़े को मार गिराया। उस पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिलिंद नक्सलियों को गोरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण देने के लिए शिविर आयोजित करता है और इससे प्रशिक्षण लिए कई लीडर आज महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में तांडव मचा रहे हैं। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।